हेलो एवरीवन, दिस इज हिना शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 14 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। देखिए, जो चैप्टर 14 है इसके अगर आप हेडिंग देखेंगे तो हेडिंग है कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। यानी कि एक प्रोसीडिंग जब भी स्टार्ट होंगी इस चैप्टर में, तो उससे पहले कंडीशन क्या, इस पूरे सीआरपीसी में बेसिकली, तो उससे पहले कौन सी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना ज़रूरी है। अगर हम इस चैप्टर का एक्सटेंड देखें तो ये 190 से 199 तक दिया गया है, और 190 से 199 के प्रोविजंस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 190 से 194 एंड 195 टू 199। अगर आप देखें 190 से 94 जो बताता है वो कॉग्निजेंस से रिलेटेड बातें करता है। इसमें आपको कई सारी टर्म्स मिलेंगी, पहला कॉग्निजेंस, दूसरा मेकओवर, ठीक है, ये जो दो टर्म है, प्लस इसी के साथ साथ आपको 193 में एक टर्म और मिलेगी, कमिटर। आज हम इन तीनों टर्म्स को भी देखेंगे, और इसी के साथ साथ अगर हम इसका डिवीजन देखें तो 190 से 194 तक मैंने इसको डिवाइड किया है एक पार्ट में, और 190 से 194 का जो पार्ट है इसको आप एक्सरसाइज करेंगे विद इन द लिमिटेशन गिवन इन 195 टू 199, ठीक है, इसीलिए हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि एक्चुअली कॉग्निजेंस होता क्या है, क्या कॉग्निजेंस टर्म को सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है, कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, और कॉग्निजेंस लेने के लिए लिमिटेशन क्या होंगी। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अगर हम 190 से 194 तक का प्रोविजन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 195 से 199 का प्रोविजन देखेंगे। चलिए बात करते हैं सेक्शन 190 की। तो सेक्शन 190 भी डिवाइडेड है, दो सब क्लॉज हैं उसके, और दो सब क्लॉज के साथ साथ आपका फर्स्ट क्लॉज में तीन और डिवीजन किया गया है, ठीक है, दो क्लॉजेस हैं और फर्स्ट क्लॉज के तीन और सब क्लॉज हैं। तो अगर हम देखें 190 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, यानी कि अब 190 पढ़ के ये समझ आता है कि कॉग्निजेंस कौन लेगा, मजिस्ट्रेट लेगा, ठीक है, हेडिंग अगर हमने देखी। उसके बाद हम अगर इसको देखें उसके एक्सप्लेनेशन, तो ये कहती है 190 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस गिवन इन 195 से 199 तक, 195 से 199 तक प्रोविजन ये दिए गए हैं कि कब कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, जब तक कि कुछ कंडीशंस ना फुलफिल हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कहता है सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन गिवन 195 टू 199 मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। अब वो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, लेकिन वो कौन सा मजिस्ट्रेट, वो है आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 190 क्लियरली कहता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, लेकिन वो कब लेगा, उसके लिए तीन कंडीशन है। पहला अपॉन कंप्लेंट, वन का सब क्लॉज ये कहता है अपॉन कंप्लेंट। तो अब कंप्लेंट क्या होती है, तो कंप्लेंट के लिए आपके पास सेक्शन 2D है कि जब भी एक पर्सन मजिस्ट्रेट को या तो ओरली या रिटर्न में एक अपने एलिगेशंस देता है, जो कि वो एक अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट लगा रहा है जिसने कि कोई ऑफेंस कमिट किया है उस कंप्लेनेंट के अगेंस्ट, तो वो होती है आपकी कंप्लेंट, 2D में डिफाइन की गई है, ठीक है। तो जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई तो मजिस्ट्रेट ने उसको पढ़ा, अक्यूज्ड को, उसने कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को एग्जामिन किया सेक्शन 200 सीआरपीसी में। उसके बाद अगर उसको लगता है तो 204 में वो प्रोसेस इशू कर देगा, और इसी प्रोसीडिंग को हम कहते हैं टेकिंग कॉग्निजेंस, इस प्रोसीडिंग को हम कहते हैं टेकिंग कॉग्निजेंस। अभी आप ये देखिए कि कैसे कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉग्निजेंस बेसिकली है क्या। उसके बाद अगर हम बात करें 190 क्लॉज 1 जो कहता है अपॉन 1B, वो कहता है अपॉन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, देखिए, कभी कोई ऑफेंस कमिट हुआ, एफआईआर लॉज हुई, कॉग्निजेबल ऑफेंस एग्जांपल ले सकते हैं, एफआईआर लॉज हुई, एफआईआर लॉज होने के बाद जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद 173 में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो जैसे ही 173 में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसको हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। तो इस पुलिस रिपोर्ट को जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट पे अपॉन द
evidences produced before it, वो अपना cognizance लेगा, ठीक है? वो cognizance लेना मतलब क्या है कि वो step forward जाएगा proceedings initiate करने के लिए या trial start करने के लिए, वो inquiry करे, trial करे, different thing. इसके बाद जो बहुत important एक आपका aspect आ जाता है वो है 191 का clause C. 191 का clause C कहता है upon own knowledge, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसके विद इन ज्यूरिसडिक्शन कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो अपनी ओन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भी कॉग्निजेंस ले सकता है. अब हमने बार बार पढ़ा कॉग्निजेंस, तो बेसिकली फर्स्ट बात तो ये क्लियर होती है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा. और इसी का क्लॉज टू है, 190 का क्लॉज टू जो ये कहता है कि अगर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर किया है तो वहाँ सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट भी कॉग्निजेंस ले सकता है. लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को सिर्फ उसकी पावर, जितनी उसकी पावर है कि वो एक साल तक की सजा दे सकता है, उन्हीं ऑफेंसेज में कॉग्निजेंस लेने के लिए उसको एम्पावर किया जाएगा, ठीक है? अब कॉग्निजेंस बेसिकली होता क्या है? कॉग्निजेंस बेसिकली होता है टू अप्लाई द जुडिशियल माइंड, ठीक है, या एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड. यानी कि जब भी कोई केस मजिस्ट्रेट के सामने आया, कोई कंप्लेंट आई या कोई पुलिस रिपोर्ट आई या उसके सामने कोई ऑफेंस कमिट हुआ या उसकी नॉलेज में कोई ऑफेंस कमिट हुआ, अब उसको लगता है कि हाँ ये जो ऑफेंस है ये एक्चुअली में कमिट हुआ है और यहाँ अब मुझे एक स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस और अब अक्यूज को बुलाना चाहिए, उसको नोटिस करना चाहिए या उसे अरेस्ट करना चाहिए, तो ये सारी जो प्रोसीडिंग होती हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, यानी कि टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट अपॉन पुलिस रिपोर्ट और अपॉन कंप्लेंट और ऑफ हिज ओन नॉलेज, इसे हम कहते हैं कॉग्निजेंस लेना, ठीक है? अब इसी के साथ साथ आप एक चीज समझिए कि कॉग्निजेंस लेने की पावर किसकी हुई, पहला कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, दूसरा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट. अब 193 क्लियरली कहता है कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, ठीक है, स्पेशली एज उसका क्या है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, एक्सेप्ट यहां सिर्फ आप लिख सकते हैं सेक्शन 199 का क्लॉज 2. सिर्फ 199 का क्लॉज 2 मजिस्ट्रेट को एम्पावर, इस कोर्ट ऑफ सेशन को एम्पावर करता है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है. वो भी कौन से मैटर्स हैं? डिफेमेशन के मैटर्स हैं, जहां प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर ऑफ यूनियन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट, इन सारे के सारे जो डिग्निटरीज हैं, अगर इनके अगेंस्ट कोई भी डिफेमेशन हुई है और कोई कंप्लेंट राइटिंग में आई है तो सिर्फ उसी बेसिस पे कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकती है, अदरवाइज कॉग्निजेंस की पावर कोर्ट ऑफ सेशन की नहीं है. उसको क्या किया जाएगा? उसको केस कमिट किया जाएगा. इसका मतलब क्या है? जैसे ही यहाँ मजिस्ट्रेट के पास कोई भी पुलिस रिपोर्ट आई और मजिस्ट्रेट को उस पुलिस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद या कॉग्निजेंस लेने के बाद ये समझ में आता है दैट दिस केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो सीधा क्या कर देगी? कोर्ट ऑफ सेशन को सीधा कमिट कर देगी. उसे हम कहते हैं कमिटल, यानी कि जब भी कोई लोअर ग्रेड की जो कोर्ट होती है वो अपर ग्रेड की कोर्ट को, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को कोई भी केस अगर ट्रांसफर करता है तो उसको हमने नाम दिया है कमिटल, ठीक है? तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दिया जाएगा और उसी कमिटल के बाद ही कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगी? कॉग्निजेंस लेगी, ठीक है? अब एक और बात आ जाती है 192 में, जो कि वर्ड यूज हुआ है मेक ओवर. मेक ओवर का मतलब क्या है आप यही समझ लीजिए, जब भी कोई लोअर कोर्ट सीनियर कोर्ट को कर रही है तो वो होता है कमिटल, ठीक है, ट्रांसफर कर रही है. और जब भी कोई सीनियर कोर्ट अगर लोअर ग्रेड की कोर्ट को ट्रांसफर करती है कोई भी मैटर, उसे हम कहते हैं मेक ओवर. जब भी आप 190 देखेंगे तो आप देखेंगे कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेने के बाद, किसी भी मैटर में कॉग्निजेंस लेने के बाद उसको लगता है कि ये मैटर जो है ये किसी भी उसके सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को ट्राई करना चाहिए, तो वो उन मैटर्स को मेक ओवर कर देगी सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती हैं और टू रिड्यूस द बर्डन एक्चुअली वो क्या करेगी, वो अगर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट्स हैं उसके सबॉर्डिनेट तो वो मैटर्स को उन मजिस्ट्रेट्स को ट्रांसफर कर देगी.
उसे हम कहते हैं मेकओवर। अब हम बात करते हैं 191 की, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन। दिस एक्चुअली डील्स विद 191 के क्लॉज सी से, क्योंकि क्लॉज सी कहता है अपॉन नॉलेज अगर कोई भी कॉग्निजेंस लिया जाता है बाय द मजिस्ट्रेट, तो अगर अक्यूज्ड चाहे तो उस वो एप्लीकेशन इस कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगा सकता है, इस रीजन से कि उसको लगता है कि ये कोर्ट जो है ये बायस हो सकती है, और मुझे तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मुझे ये जो मेरा केस है ये ट्रांसफ़र कराना है किसी अनदर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, तो वो एप्लीकेशन लगा सकता है और अपने केस को ट्रांसफ़र करा सकता है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, टू प्रोवाइड जस्टिस। और अगर हम देखें तो बेसिकली ड्यूटी ये कोर्ट की भी बनती है कि वो उस ट्रांसफ़र को अलाउ कर दे, क्योंकि जब अलाउ कर देगी तो इससे ये भी शो होता है कि बेसिकली वो अनबायस्ड है, और एक उसका जो मोटिव है वो है टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पर्सन। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन। अब बात आती है मेक ओवर बाय एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। तो एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज एज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कॉग्निजेंस तो ले नहीं सकते, लेकिन यहाँ क्या होता है, अब जैसे मैंने बताया कि मेक ओवर करना, तो जब भी सुपीरियर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को केस ट्रांसफर करेगी तो वो मेक ओवर होगा। तो यहाँ भी क्या है, मेक ओवर टू एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। तो क्या होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगी, कुछ मैटर्स को अगर उसे लगता है कि ये एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज उसको ट्राई कर सकते हैं, तो वो उन मैटर्स को मेक ओवर कर देगी एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को। तो दिस 194 इज रिलेटेड टू मेक ओवर टू एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। अब इसी के साथ साथ आपके पास एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन आता है जो आपके 190 से रिलेटेड है, ये आपको यही देखना है। अगर 190 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में और 191 के सब क्लॉज बी में कोर्ट अगर कॉग्निजेंस लेती है और वहाँ वो कोर्ट एम्पावर नहीं थी कॉग्निजेंस लेने के लिए, या तो उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, ठीक है, तो यहाँ इस केस में, ठीक है, क्या होगा, क्या वो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि अगर 191 के ए में या बी में कॉग्निजेंस ले लिया गया बाय द कोर्ट एंड कोर्ट वाज नॉट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, तो क्या प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएंगी। विशिएट मतलब कि क्या वो प्रोसीडिंग्स आपकी खारिज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, 191 और ए और बी में आप अगर रिलेट करेंगे तो सेक्शन 460 से आप इसे रिलेट कर सकते हैं सीआरपीसी, जो ये कहता है कि इन दोनों क्लॉजेस में अगर कोर्ट एम्पावर भी नहीं था और उसने कॉग्निजेंस ले लिया, तो आप सिर्फ इस इररेगुलरिटी के बेसिस पे इस पूरे ट्रायल को या प्रोसीडिंग्स को आप विशिएट नहीं करा सकते हैं, ठीक है, अनलेस कि कहीं भी आपको ऐसा ना लगे कि वो फेल्योर ऑफ जस्टिस हो रहा है, ठीक है, कि अगर यहाँ ये कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती या ट्राई नहीं करती तो डिसीजन कुछ और होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो ये इररेगुलरिटी जो है ये आपकी ट्रायल को विशिएट नहीं करेगी, ये 460 कहता है। लेकिन जो आपका ये क्लॉज है ना 191 का क्लॉज सी, यहाँ पे अगर अपनी खुद की नॉलेज में कोर्ट ने कोई भी कॉग्निजेंस लिया है और वो एम्पावर नहीं थी, उसको पावर नहीं थी कि वो कॉग्निजेंस ले सके, यानी कि उसके बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन था, मान लीजिए बियॉन्ड लोकल लिमिट्स या बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन था, तो यहाँ पे कोर्ट की ये जो इररेगुलरिटी है ये 461 में विशिएट कर देगी ट्रायल को, और यहाँ पे जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई होंगी वो प्रोसीडिंग क्या हो जाएंगी, वॉइड, वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स वॉइड हो जाएंगी। लेकिन इन दो क्लॉजेस में ऐसा नहीं, ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉग्निजेंस वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉग्निजेंस, मेकओवर एंड कमिटर, ठीक है। बाकी का जो 195 से 199 का जो लिमिटेशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।